Naruto's potential disaster. अटाफुकु टाउन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। नहीं, वो ओल्ड टाफुकु टाउन है। एक मिनट रुकिए। क्या? आपके जैसा महान बेशरम और महाचिचोरा बाबा मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, इसका जरूर कोई मतलब होगा ना? आप मेरे अंदर का छुपा हुआ जीनियस बाहर लाएंगे और मेरे बचपन का सपना आज पूरा होगा। बताओ बताओ बताओ, आपने मुझे क्यों चुना? वैसे सच तो ये है पब्लू की बहुत साल पहले फौत होकागे मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, और तुम्हारी शक्ल उनसे इतनी मिलती जुलती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सॉरी, पर मैं बस इसी वजह से तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। तो मैं फोर्थ होकागे जैसा हूँ? अगर मैं फोर्थ होकागे जैसा हूँ मतलब मैं भी उनके जैसा जीनियस हूँ। अब होकागे का टाइटल ज्यादा दूर नहीं है। अरे नहीं, मेरे जूतों पर गोबर लग गया। फोर्थ होकागे और तुम में बस दो बातें कॉमन है, एक तो तुम्हारी खाली खोपड़ी और उस पर उगे पीले पीले बालों का खेत। क्या पीले पीले बाल? आपने कभी खुद के बाल देखे? बेजे नहीं। आप निश्चित करेक्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है। उस वक्त तुम्हें मैंने नहीं बल्कि नारुतो ने बचाया था। हुआ क्या? Oh, come on, Sasuke, तुम तो मजाक कर रहे हो, है ना? बेशक नारुतो स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन उन सैंड निंजास के खिलाफ यही सच है सकुरा। काश तुम वो देख पाती कि कैसे नारुतो ने जान लगाकर तुम्हें बचाने की कोशिश की, और उसने वो ताकत दिखाई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। नारुतो ने मुझे बचाया? Come on, चिदोरी! चिदोरी! अरे हो जा चिदोरी। ठीक है, मैं इसे नारुतो के लिए भी बचा लेती हूँ। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं दोबारा सबको खत्म होते नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने दोस्तों को जरूर बचाऊंगा। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो हर बार लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके कंपैरिजन अगर हमने उसका सामना किया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अगर हमारे जैसे और लोग होते तो उनका भी वही अंजाम होता। कभी सोचा नहीं था एक लेजेंडरी सानिन से मुकाबला करने में। अगर हम उससे लड़े तो फिर दोनों उचीहा क्लैन और सेवन स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का नाम सदियों के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। सही कहा, लेकिन फिर भी ताकतवर दुश्मन की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसा करते रहोगे तो पाप लगेगा। छोरे बाबा, फोर्थ होकागे आपके स्टूडेंट थे तब वो कैसे थे? भाई, अब वो मेरा स्टूडेंट था तो जाहिर है कि टैलेंटेड ही था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो मैं उसे मिला। तुम्हारी भी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ पप्लो। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? एक अच्छे सेंसे को हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स ही मिलते हैं। आ गई बात समझ में? पर एक मिनट छोरे बाबा, अगर ये सच है तो फिर आपके सेंसे कौन थे? मेरे सेंसे वो थे हमारे थर्ड होकागे। थर्ड होकागे? ये तब की बात है जब थर्ड होकागे के सर पर मस्त बाल हुआ करते थे। थर्ड होकागे सर पे बाल है? हाँ बिल्कुल सही, और तब मैं और भी ज्यादा हैंडसम हुआ करता था। मैं उलझ सा गया। मैंने बोला था ना, पाप लग जाएगा भुगतो। एक मिनट, अगर तुम काकाशी के स्टूडेंट थे तो तुमने जरूर वो बेल वाला टेस्ट भी दिया होगा, सही कहा ना?
हाँ किया था, मैं तो उसे भूल ही गया। मेरे पास है दो बेल्स और इसका मतलब ये हुआ कि हम में से किसी को यहाँ बांधा जाएगा। तुम चीजों को जल्दी समझ लेते हो रोची भालू। अरे अच्छा बढ़िया, इसे तो मैं ही जीतूंगा। चलो आप पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करो। देख लो जरा, मेरे सेंसर से ये बेल चुरा ही ले। तुम बस यहीं खड़े खड़े रोते हो। तुम अपना वो पत्र रखो जिसे बार बार निकाल दूँगा। क्या बात है? तुम्हें कुछ समझ ही नहीं। अगर तुम्हें उस जुत्सु पर इतना ही यकीन तो एक बार मैं भी उसे आत्मा कर through my shadow, through the sun rays. उनसे खतरा तो है पर लगता है वो अभी तक नारुतो को ढूंढ नहीं पाए हैं। पर ये समझ नहीं आ रहा वो अचानक चले क्यों गए। वो तो हमारे विलेज में घुसपैठ कर ही चुके थे। उन्हें बड़ी आसानी से नारुतो यहाँ मिल जाता। और इताची तो पहले ही नारुतो का चेहरा देख चुका है। काकाशी सेंसेई, काकाशी अभी भी सो रहे हैं? और आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं सास्के, हम बस ऐसे ही। क्या ये सच है कि इताची वापस आ गया और वो यहाँ नारुतो को अगवा करने आया है? बेवकूफ, अपने साथ हर बार ऐसा ही क्यों होता है? वो यहाँ वापस आ गया है और वो नारुतो के पीछे पड़ा है। इसका क्या मतलब है? नारुतो अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अभी अभी यहाँ आई। मैं नारुतो को कुछ स्वीट देने आई थी। अगर उसने नारुतो को ढूंढ लिया तो वो उसे खत्म कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जरा सुनिए, क्या नारुतो आज यहाँ आया था और वो यहाँ से कहाँ गया? अरे हाँ नारुतो, तुमको मुझे याद करने दो। वो करीब 12 बजे मास्टर जिराया से यहाँ मिला था। दोनों ने साथ में नूडल्स खाए और फिर वो कहीं जाने की बात करने लगे। लेकिन कहाँ? जहाँ तक मुझे याद है वो गांव से कुछ दूर पर एक टाउन में जाने की बात कर रहे थे। हाँ, फिर नारुतो मास्टर जिराया के साथ चला गया। जिराया के साथ? हाँ, मास्टर जिराया लेजेंडरी सानिन में से एक। अगर तुम्हें उन्हें ढूंढना है तो वो लंबे चौड़े हैं और उनके सर पर सफेद बालों की झाड़ी है। लंबे चौड़े और बाल सफेद। ए, सुनो, क्या बदतमीजी है। अगर यहाँ सवाल पूछने आ रहे हो तो कम से कम मेरा गर्मा गर्म नूडल्स तो खाकर जाओ। ये रूम की चाबी, अब भाग कर वहाँ जाओ और अपने चक्र पे काम करो। चुपचाप चादर लो और सो जाओ, ठीक है? अच्छा तो ये चाबी पकड़ा के आप खुद अपनी किस्मत का ताला खोलने जा रहे हो? आप सच में नंबर के बेशरम हो। वो गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। क्या यार, जब भी मैं उस छिछोरे बाबा के साथ होता हूँ वो कोई ना कोई बहाना करके खिसक ही लेते हैं। यही वो जगह है।
एक्टिविटी कैंडी ले लो। क्या यहाँ पर पीले बालों वाला कोई लड़का है मेरी एज का और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी है जिसके बाल सफेद हैं? माफ कीजिए पर हम सिर्फ औरतों को ही यहाँ रुकने देते हैं। क्या यहाँ मेरी उम्र का कोई पीले बालों वाला लड़का है उसके साथ सफेद बालों वाला आदमी भी है? दरअसल हमारे यहाँ तो आज बुजुर्ग लोग ही ठहरे हैं। ये तो चकला खट्टी मीठी है बिल्कुल तुम्हारी तरह। गाइस मैंने तुम सबसे सोने के लिए कब कहा हाँ? क्या यहाँ पर मेरी उम्र का कोई पीले बालों वाला लड़का है उसके साथ एक लंबा चौड़ा सफेद बालों वाला आदमी भी है? सफेद बालों वाला आदमी क्या वो दोनों यहीं पर हैं? क्या मैंने ऐसे दो लोगों को कहीं देखा था? मुझे याद नहीं आ रहा। अब ये जरा हटके है पर ये है मजेदार। ये भी तुम्हारे नाम? अरे हाँ पीले बालों वाला बच्चा और सफेद बालों वाला चाचा वो दोनों यहीं पर है। रूम नंबर क्या है? जरा रुको देखती हूँ। वो रूम नंबर 1 में है सेकंड फ्लोर पे हॉल के एंड में। ठीक है बस एक मिनट ये भी लॉक खोल लो। नारुतो तुम तो कोई